हेलो किड्स, आज है इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास में इससे पहले हमने किया है ए टू पी, पी तक हमने कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, क्यू फॉर क्रेल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर फॉर रोज, कैपिटल एस, स्मॉल एस, एस फॉर सन, कैपिटल टी, स्मॉल टी, टी फॉर ट्री। हम इसे लिखना भी सीखेंगे, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। हम इसे ड्रॉ करना भी सीखेंगे, क्रेल, रोज, सन एंड ट्री। और इसके बाद हम इसे कलर भी करेंगे। तो आज की इंग्लिश की क्लास में करते हैं क्यू आर एस टी। इससे पहले की क्लास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ए से लेकर के पी तक की क्लास की लिंक क्लिक करके पूरी क्लास जरूर देखिए। और आज की चलिए चलते हैं और ड्रॉ करते हैं, लिखना सीखते हैं और कलरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास। और बनाएंगे क्यू फॉर क्वेल्ट। क्वेल्ट जो हम ओढ़ते हैं, तो आपको ऐसे बनाना है, हल्का सा जिगजैग करके वन स्क्वायर, ओके। और फिर इसके अंदर हम बना देंगे मोर स्क्वायर्स। Like this. और आप इसमें कुछ डिजाइन्स बना दें तो आपका क्वेल्ट जो है और खूबसूरत हो जाएगा। Now this is very beautiful. This like this. Okay? अब यहाँ पे स्पेलिंग लिखते हैं Q U आई एल टी क्विल्ट। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्यू क्विल्ट। अब चलते हैं आर, आर फॉर, पहले आर लिखना देखते हैं। आर लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, टेढ़ी लाइन। आप भी लिखिए स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड देन इस तरह से तिरछी लाइन। देन स्मॉल आर, स्मॉल आर कैसे लिखते हैं, इसके लिए स्टैंडिंग लाइन एंड लिटिल बिट कर्व, हल्का सा कर्व करना है। अब आर फॉर क्या होता है, आर फॉर होता है रोज, आर फॉर होता है रैट, आर फॉर होता है रैबिट। तो हम बनाएंगे रोज, रोज ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। ये हार्ट शेप दिया, यहां पर भी लाइक दिस, अब इसके लीव्स बना दीजिए। दिस वन इज आर फॉर रोज। रोज की स्पेलिंग आर ओ एस ई, रोज। आर कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर फॉर रोज। अब हम बनाएंगे एस, एस पहले लिखना सीखेंगे फिर बनाएंगे एस फॉर सन। तो चलिए पहले लिखते हैं कैपिटल एस, पहले सी, देन सी को उल्टा कर दिया, ये हुआ कैपिटल एस। एंड स्मॉल एस भी इसी की तरह होता है बट साइज में स्मॉल होता है। दिस इज स्मॉल एस, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। S for sun, S U N sun. तो sun बनाने के लिए हमें एक circle बनाना है। Very easy to draw. This is circle. Now
दीज आर सन रेज, ये सूरज की रोशनी है। इसे अभी हम कलर्स भी करेंगे। तो एक साथ हमारी इंग्लिश और ड्राइंग दोनों की क्लास हो रही है, और भी क्लास की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिएगा। चलिए स्पेलिंग लिखिए, एस यू एन सन। तो एस हो गया, अब बचा टी, तो चलिए टी लिखते हैं, कैपिटल टी। वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वेरी इजी, दिस इज कैपिटल टी। नाउ स्मॉल टी, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व एंड वन स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। टी फॉर होता है ट्री, तो ट्री बनाने के लिए ये है उसका ट्री का नीचे वाला, और अब ट्री के लिए स्ट्रेसेस के स्टेम्स बनाइए। नाउ कर्व, 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 दिस साइड, दिस इज ट्री। तो टी फॉर ट्री, टी आर डबल ई ट्री। तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम कलर्स करेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट कलर्स। पहले करेंगे क्विल्ट रेड एंड येलो से, बच्चों का फेवरेट कलर रेड एंड येलो। देन जिसमें फ्लावर्स अल्टरनेट करके आप एक एक में रेड करिए, एक में येलो करिए। सबसे पहले इसमें रेड कर लेते हैं, इसमें रेड करेंगे, फिर इसमें येलो, इसमें रेड, इसमें रेड, इसमें येलो, इस तरह से करके वन वन बॉक्स करते हैं। चलिए फटाफट से करते हैं। तो ये कर लिया, ये सारे बॉक्सेस येलो कलर से, YELLOW येलो। अब बाकी बॉक्सेस करेंगे रेड कलर से, RED रेड कलर। तो इंग्लिश की क्लास में हमने ड्रॉ, कलर और लिखना तीनों चीज एक साथ सीख लिया। तो ये हो गया ब्यूटीफुल सा क्विल्ट तैयार। Q, कैपिटल Q, स्मॉल Q, Q फॉर क्विल्ट। तो अब Q को भी रेड कलर से कर देते हैं। कैपिटल Q कैसे लिखते हैं, सर्कल, और सर्कल से निकलती है पूंछ। और स्मॉल Q कैसे लिखते हैं, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड छोटी सी पूंछ। तो ये हो गया कैपिटल Q, स्मॉल Q, Q फॉर क्विल्ट। अब चलते हैं रोज। तो रोज किस कलर से होता है, रेड और पिंक कलर। तो हम लोग पिंक करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो पहले डार्क पिंक से सारे इसकी आउटलाइनिंग कर दीजिए, और इसमें लाइट पिंक को फिल कर दीजिए लाइक दिस। ओके, ये मैंने आउटलाइनिंग कर ली डार्क पिंक से, और अब इसमें लाइट पिंक को फिल कर देंगे। तो आर फॉर होता है रोज, ROSE रोज। और इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है, आप इसको देख करके ड्रॉ करिए एंड देन उसको अच्छे से कलर करना है। अब चलते हैं नीचे ग्रीन के लिए। तो ये ग्रीन एंड लाइट ब्राउन देन डार्क ग्रीन। अब सबसे पहले डार्क ग्रीन से पत्ती की बीच की लाइन, लीव्स की बीच की लाइन एंड डार्क ग्रीन से स्टार्टिंग। अब इसको लाइट ब्राउन से फिल कर दीजिए, और लीव्स को लाइट ग्रीन से। तो ये हो गया आर फॉर रोज। अब लिखते कैसे हैं, तो एक स्टैंडिंग लाइन होती है
हाफ सर्कल होता है और एक टेढ़ी लाइन होती है, ये है आर फॉर रोज। और कैपिटल आर हो गया स्मॉल आर में एक स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, आर फॉर रोज। अब चलते हैं एस फॉर सन, तो सन के लिए हमें चाहिए ऑरेंज एंड येलो कलर। तो पहले ऑरेंज से आउटलाइनिंग्स कर लीजिए इस तरह से, और येलो से इसे फिल कर दीजिए। इसके बाद येलो से फिल करने के बाद इस पे हल्का सा ऑरेंज का क्रेयॉन चला दीजिए, तो ये हो गया सन। अब ये सन रेज, तो इसमें एक साइड ऑरेंज से और एक साइड येलो से, साइड ऑरेंज किया, वन साइड येलो, लाइक दिस। तो ये है एस फॉर सन, हल्का हल्का साइड में लाइट येलो कर दीजिए। तो एस सन कैसे लिखते हैं, हाफ सर्कल सीधी और हाफ सर्कल उल्टा, ये हो गया कैपिटल एस। और स्मॉल एस भी बिल्कुल वैसा ही होता है, सिर्फ साइज छोटा होता है, इसलिए वो हो गया स्मॉल एस। अब चलते हैं टी फॉर ट्री, तो ट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रीन कलर चाहिए लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। ठीक है, तो पहले डार्क ब्राउन से आउटलाइनिंग कर लेते हैं, ये ट्री के स्टेम्स को बनाते हैं। और अब इसमें लाइट ब्राउन को फिल कर देते हैं। इस तरह से ये ट्री का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है ट्री, तो ट्री का कलर होता है ग्रीन, तो पहले ये डार्क ग्रीन से ये सारे कर्व्स को कर लीजिए। और अब लाइट ग्रीन से इसको फिल कर लीजिए। टी आर डबल ई ट्री, ट्री जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ट्रीज का होना, इसलिए हमें ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पौधे लगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, तो हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहता है और हम भी हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं, तो इसलिए ट्रीज का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बातें बात करते करते ये देखिए ट्री जो है वो कलर्स हो गया, कलरिंग कर ली हमने। अब यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, टी कैपिटल टी हो गया स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, एंड स्मॉल टी में एक स्टैंडिंग लाइन है, कर्व है और स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से ट्री जो है वो तैयार। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्यू फॉर क्विल्ट, आर फॉर रोज, एस फॉर सन, टी फॉर ट्री। आगे की क्लास अगली, और तब तक बाकी की क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पे देखिए।